तुमने जो गरीबों को जलील किया है, गरीबों की बजा के पर्चियों को सिलेक्ट किया है, हमने वहां सब कुछ रिकॉर्ड किया है। हाँ, हमने वहां सब कुछ रिकॉर्ड किया है, हमने वहां सब कुछ रिकॉर्ड किया है। जी हाँ, हमने वहां सब कुछ रिकॉर्ड किया है। नाजरीन शायकीन 10 के 3 20 के 4, मैं हूं अली और मेरा टारगेट है वकार। हस्बे जायका और हस्बे वादा हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। जी हाँ जनाब, मैंने कहा था कि ऑडिटोरियम के मनाजिर आपको दिखाऊंगा, लड़कों की फ्रस्ट्रेशन में आपको दिखाऊंगा, गरीब जो 3 3 दिनों से दुकानें बंद करके आए हैं, 36 36 घंटों का जिनको इंतजार करवाया जा रहा है, उनकी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो पहले मेरे आप इस भाई की वीडियो देखें, इसकी मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी है और इसके तासुरात आप सुने। 400 बंदा बैठा हुआ था, 2 दिन में ऑडिशन खत्म हो गया। जब तक हम बैठे हुए थे सिर्फ 30 बंदों के ऑडिशन हुए थे 2 दिन के अंदर। एक दिन उन्होंने सबके ऑडिशन कर दिए जनाब। अपने सारे एपिसोड और सारे ऑडिशन के एपिसोड कंप्लीट हो चुके, सिलेक्शन पहले से हुई हुई थी, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, वो पूरी हो गई है। पहले आप इस भाई की बातें सुने और सुने कि कितना ये अंदर से भरा हुआ है, फिर मैं आपको बताऊंगा इस बेचारे के साथ हुआ क्या था। जरा वीडियो सुने आप। अस्सलाम वालेकुम। कल हम सुबह 12 बजे से आए थे, इधर भी देख लेना बोलते बोलते। तकरीबन 12 घंटे के बाद आना जाना मिलाओ तो 14 घंटे बनते हैं। हम इन्हीं सीटों पर बैठे रहे, चलो हमने थोड़ा बहुत जाके बाहर 200 समोसे खाए, उसके अलावा हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया। फिर हम इन सीटों पर बैठे, कोई मसला नहीं भाई, सब्र करना है, हमने सब्र किया। फिर हमें कल रात को 12 बजे एक 5 रुपये का लॉलीपॉप दिया गया कि आप कल इस फॉर्म को साथ लाइएगा, ये स्टिकर नहीं लाइएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्लाह की कसम, रात को जाके खुद को नहीं संभाला, पहले इस शर्ट को संभाला कि कल ये स्टिकर दिखाना है, और इस फॉर्म को जाके दराज में रखा कि भाई ये काम आएगा कल। अपने मोबाइल फेंक दिए लेकिन इसको रखा इतने सेफ्टी के साथ कि भाई कल जाएंगे, यूँ दिखाएंगे, वकार भाई बोलेंगे आ जाओ अपना ऑडिशन दो 4 5 बजे घर तक। यही मंजन हमने बेचा अपने घर वालों को, घर वालों ने बोला आपने कल क्या किया, हमने बोला सामने आके ये बोला है कि हाय हेलो माय नेम इज़ फलाना फलाना फलाना, उन्होंने बोला सलाम दुआ करने नहीं आए, ऑडिशन तो जाओ ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं। फिर हम यहाँ जा के बैठे, 12 बजे का लॉलीपॉप था, बोला वकार भाई 5 बजे आएंगे, नो इशू। 5 बजे तक हम सोते रहे यहाँ पे, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया, आप मत सोचिएगा, हम बैठे रहे सही है, खाना नहीं खाया, पानी तो यहाँ है नहीं। उसके बाद जब 5 बजे आए तो 6 बजे वकार भाई आए, उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि मेरे बच्चों अंदर आके जो करना है तुमने करना है, मैंने कुछ नहीं करवाना तुमसे, ठीक है जी। वो सोच सोच के घंटे से हम वही सोच रहे हैं कि हमने करना क्या है, लेकिन करने की जब बारी आई तो ये 2:60 बजे से 10 बंदे गए हुए हैं और अभी 9 बजने वाले, 2 घंटे से 10 बंदे नहीं आए और यहाँ पे तकरीबन 400 लोग बैठे हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि 4 दिन अगर 1 महीना भी इसका जो टाइम है अंदर रहने का, उसमें भी ऑडिशन चलेंगे तो तब भी ये लड़के पूरे नहीं दे सकते। और यकीन करो अभी दिखा नहीं सकता, थोड़ा मसला है, प्राइवेसी का, फैमिली शो है। ये अंदर चली गई है 2 किलो, ये सीट अगर नाजरीन को दिखाएं, इधर आओ कैमरा लाओ पूरा लाओ भाई, वीडियो बनाओ, ये देखे नाजरीन, ये सीट अंदर जा चुकी है, ये भी पनाह मांग रही है, इतना बेहतरीन चिल्लर चल रहा है, लेकिन ये सीट गर्म हो गई है क्योंकि हमारी गर्म हो गई है, जो धुआं निकल रहा है वो मुंह से निकाल सकते हैं, वो नीचे से निकल रहा है, क्या करे भाई, कहाँ कहाँ हाथ रखे। और आप आ जाओ एक ही बात हम कब से सुने जा रहे हैं, हम वीडियो अपलोड करेंगे वकार भाई, मैं करूंगा लेकिन मुझे वाईफाई का पासवर्ड तो नेट नहीं चल रहा मेरा, कुछ बोलो नहीं, हम खुद ही जाते जाते मैं हर वीडियो डालूंगा, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, मैं हर अपना टैलेंट दिखा दूंगा, लेकिन यार खुदा का वास्ता सामने बुला लो, बल्ले रिजेक्ट कर दो, बोले भाई तू समझ नहीं आता, यकीन करो घर जाके सुकून से तकिए के नीचे सोचूंगा कि मैं पागल था कि मैंने 48 घंटे ख्वार किए। कोई बात नहीं, आपसे मिलूंगा आऊंगा, आप एक बार बोल लो कि नहीं देना, हमारे सेन से ये ऑडिशन देने का भूत है, ये साला यहाँ पे अता माजी से टकली, बस खत्म। तो जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे, हैशटैग बोल चैंपियंस करके वीडियो अपलोड कीजिए, मैं आपकी वीडियो देखूंगा, और जो बंदा वहाँ नहीं दे ऑडिशन नहीं दे पाया मैं उसको वीडियो से सिलेक्ट करूंगा, ये वकार भाई आपका कहना है, मैं यकीन करें ऑडिशन आज मेरा नहीं हुआ मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन घर से वीडियो बना बना के डालूंगा, जब तक आप मुझे बोल हाउस का पूरा शो चलेगा मैं तब तक वीडियो फेंकता रहूंगा, आप मुझे खुद बुलाएंगे एक दिन इंशाल्लाह। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो बहुत लंबी होगी तो जनाब वीडियो आपने देख ली होगी, ये बंदा 36 घंटे से मेरे साथ, जब मैं गेट के अंदर घुसा था जब तक ये मौजूद था, और मेरे से पहले इसका इंटरव्यू था, 20 सेकंड का इसका ऑडिशन हुआ, कितने का, 20 सेकंड का, आवाज आ रही है मेरी, कितने का,
20 सेकंड का इसका ऑडिशन हुआ, अंदर गया और बाहर आया, मैंने कहा जनाब क्या हो गया, मुंह उतरा हुआ था, अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और सीधा घर को निकल गया। इसका नंबर तक मेरे पास नहीं था, मुझसे मैं से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। अरे भाई अगर तू मेरी इस वीडियो पर आ गया है ना, मेरी वीडियो को देख रहा हूँ तो नीचे कॉमेंट्स कर, मैं तुझे अपना नंबर देता हूँ या मेरी इंस्टाग्राम आई डी आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर कहीं पर, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर भाई, मुझसे कॉन्टेक्ट में तो रहे कम से कम, मैं हूँ तेरे साथ, तू फिक्र क्यों करता है, इनको छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने गरीबों को जलील किया, मैं तेरे साथ हूँ, फिक्र नहीं कर। और जो लोग कॉल कर रहे हैं, कल भी समझाया था अब भी समझा रहा हूँ जनाब, निशानेबाज हूँ, शौकीन है गन चलाने का, जो भी है भाई तू कॉल कर रहा है सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, यकीन करेगा, मैं घर वालों की कॉल आ रही है ना आजकल, मैं वो भी ऑटो रिकॉर्ड पे लगाई हुई है, सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे नंबर पे जो कॉल आ रही है सब रिकॉर्ड हो रही है आजकल। वकार दगा का तू कोई बहुत बड़ा फैन होगा या तू सिलेक्ट हो गया होगा पर्ची के ऊपर, जब भी तुझे इतनी आग लग रही है। नाज़रीन और शायकीन 10 के 3 और 20 के 4 से मेरी गुजारिश है कि जनाब वीडियो में, अगली वीडियो जो आएगी ना कॉल्स वाली, मैं सोच रहा हूँ, अच्छा आप लोग बताएंगे मैं अगली वीडियो डालूँ कौन सी, मवाद मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये जो थ्रेट कॉल आ रही है ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं डरता वरता नहीं हूँ भाई, मैं अपलोड कर दूंगा नंबर के साथ, आवाम बजाएगी फिर मुझे नहीं बोलना, ठीक है। ये जो थ्रेट्स कॉल आ रही है ये मैं आपको सुनाऊं कि आखिर मुझे क्या सुनने को मिल रहा है, या तो फिर ऑडिटोरियम में जो हो रहा था वो आपको सुनाऊं, या वकार ज़ाका की जो लड़ाई हुई है फ्लोर के ऊपर वो आपको दिखाऊं, या मेकअप रूम के अंदर जो ऑडिशन में जाने से पहले होता है वो आपको दिखाऊं, या किस तरह गरीब प्रैक्टिस करता है, आप गरीब का जज्बा देखेंगे ना यार आप पागल हो जाएंगे। गरीब पहले दिन ना बाहर प्रैक्टिस कर रहा है, कोई किसी को लॉक लगा रहा है, कोई हाथों पर चल रहा है, कोई पाँवों पर चल रहा है, कोई पुशअप्स लगा रहा है, आपको वो वीडियो दिखाऊं, आपको ये अंदर के मनाजिर दिखाऊं, आपको दिखाऊं कि लड़कों ने फ्रस्ट्रेशन कैसे उतारी वो दिखाऊं, या आपको पर्ची वाले लड़के दिखाऊं, या आपको ये बताऊं कि कौन कौन सिलेक्ट हो चुका है, या आपको ये दिखाऊं कि कौन कौन बोल हाउस के अंदर आपको नजर आएगा, या आपको ये बताऊं कि कौन कैसे और किस तरह ये शो चलेगा, बताएं कौन सी वीडियो में नेक्स्ट अपलोड करूं, ये मैं पूरी सीरीज बना के चला दूंगा जनाब। दिमाग यहाँ से सटका हुआ है, जिसको कॉल करनी है कॉल करो, जिसको घर पर आना है वो घर पर आ जाओ, जिसको उठाना है वो उठा लो, मैं हाजिर हूँ जनाब। जब गरीबों की दुखाओगे, गरीबों की बजा के रखोगे ना जनाब, तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आप लोगों ने साथ देना, आप लोग गलती ये करते हो वीडियो छोड़ते हो, वीडियो देखिए अपना सारा मजे लिए और चले गए, आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को लाइक अगर नहीं कर रहे भले डिसलाइक कर दो भाई, लेकिन नीचे कॉमेंट्स करके जाओ, तुम्हारे कॉमेंट्स करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे कॉमेंट्स के कोई पैसे नहीं मिलते, आ रही बात समझ में, तुम्हारे कॉमेंट्स करके मुझे पता चलता है कि हाँ भाई ये आवाम मेरे साथ है, मुझे आगे अपलोडिंग करनी चाहिए। नीचे कमेंट्स लाजमी कराया करो, अपने दिल का मशवरा, अपने दिल की बात लाजमी बताया करो कि आखिर हाँ अली भाई ये सही काम है या गलत काम है, या आप इस मामले से बिल्कुल दूर हट जाओ या बिल्कुल साइड हो जाओ, गरीब की जो उसने बजाई है वो उसका मामला और गरीब का मामला है, आप साइड से हट जाओ, अपना कॉन्टेंट बनाना शुरू कर दो, भाई मैं अपलोड करना बंद कर दूंगा, अपना कॉन्टेंट बनाना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें देखनी है, सारी चीज़ें मौजूद है, मैंने 10-10, 20-20 कॉपियाँ बना ली है, पत्नी मेरा मोबाइल छिनवा दें, पत्नी क्या करवा दें, मैंने इतनी कॉपियाँ बना के रख ली है, मैं सब कुछ अपना काम निपटा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं, लेकिन आप लोग बताएं तो सही कि कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे करना क्या चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने जो स्पीच दी है यूएन के अंदर, दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया, ऐसा होता है लीडर, ये होता है जुनून, ये होता है जज्बा, ये होता है इश्क रसूल, और ये होता है खौफ खुदा। जी हाँ, जो कश्मीरियों के लिए बोले, जो अपने मुसलमान के लिए बोले, अपने दीन के लिए बोले, अपने नबी के लिए बोले, और उन लोगों के सामने बोले जहाँ पर बोलने का जवाब बनता है, जहाँ बोलने का असर रखता है, जहाँ बोलने का कोई फ़ायदा होता है, ऐसी जगह पर ऐसी बात करके दिल खुश कर दी। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाना चाहता था लेकिन चुड़ैल की वजह से नहीं बना सका। बॉस मैंने आपका किया क्या है, मैं बहुत डिटेल में बताऊँगा कि बॉस तूने मेरा किया क्या है। नाज़रीन शायकीन 10 के 3 20 के 4, मैं हूँ अली और मेरा टारगेट है वकार। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़। मुझे बताइएगा ज़रूर कि कौन सी वीडियो अपलोड करनी है।